हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम आपके सामने टारगेट सीटेट 2020 में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। नया टॉपिक का नाम है हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात एंड समानुपात। ठीक है, ये बहुत ही मतलब बहुत इजी टॉपिक है। इससे इजी टॉपिक कोई है ही नहीं। इजी टॉपिक इस मामले में है कि जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, आप घर पे चाय बनाते हैं। यदि आप अपने लिए चाय बना रहे हैं सपोज करें, ठीक है, तो उसमें इंग्रेडिएंट डालेंगे, सपोज एक स्पून चीनी डाल दी आपने, एक टीस्पून टी डाल दी, दूध और पानी उसके हिसाब से मिक्स करके डालते हैं। सपोज अगर आपको दो व्यक्तियों के लिए बनाना है तो आप क्या करेंगे, सेम चीज डबल कर देंगे। तीन आदमियों के लिए बनाना होगा तो सेम ऐसे ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है एक चीज रेशियो। ठीक है, ये क्या हो गया, एक रेशियो, मतलब सेम प्रोपोर्शन, मतलब क्वांटिटीज आप जो है इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो रेशियो भी क्या होता है, रेशियो एक बेसिक क्वांटिटीज होती है। ठीक है, रेशियो को हम नंबर नहीं मानते हैं। ठीक है, मतलब रेशियो जो है लोएस्ट फॉर्म में पाया जाता है कोई भी नंबर के, और वो एक यूनिक कह सकते हो आप। रेशियो में क्या होता है, आप उसके कितने भी मल्टीपल कर सकते हो, ठीक है, उसको डिवाइड कर सकते हो, तो वो जो क्वांटिटी है, जो रेशियो जो दे रखा है उसका, वो रिमेन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे हमारा इंडियन फ्लैग है 3/2 उसका रेशियो है, तो अब उसके प्रोपोर्शन में आप कितने भी फ्लैग बना सकते हो, है ना, तो एक रेशियो है 3/2। तो अब उसके मल्टीप्लाई कर दो आप, बड़े आपने देखे होंगे बड़े बड़े फ्लैग भी होते हैं, छोटे बच्चों के पास वो छोटे वाले फ्लैग भी होते हैं, लेकिन उनका रेशियो है लंबाई और चौड़ाई का, कि उसी रेशियो में आप फ्लैग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप रेशियो, मतलब ये आपकी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, ये आपके सिंपलेस्ट फॉर्म में आपके पाया जाता है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का आपका तरीका A:V, ए अगर ये लिखा हुआ है, और आप इसको ये भी लिख सकते हो, A/B भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो सिंपल सी चीज़ है, वो कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है कि डुप्लीकेट बताइए, इसके ट्रिप्लीकेट बताइए। ठीक है, डुप्लीकेट को बोलते हैं द्विघात अनुपात। ठीक है, क्योंकि रेशियो को आपने लिखा, हमने लिखा है ऊपर, रेशियो को अनुपात बोलते हैं, प्रोपोर्शन को समानुपात। तो डुप्लीकेट A+B, A:B का डुप्लीकेट हो जाएगा A²:B². ठीक है, अब यहीं पे बोलते हैं ट्रिप्लीकेट। ट्रिप्लीकेट का मतलब आप समझ में आ रहा होगा, क्या होता है ट्रिप्लीकेट का मतलब, दिमाग लगाइए। ठीक है, ट्रिप्लीकेट रेशियो, इसका मतलब ये हो जाएगा त्रिघात। ठीक है, त्रिघात अनुपात, तो त्रिघात अनुपात को बोलते हैं, इसका क्यू कर देंगे। ठीक है, A³:V³ हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जब उसने अगर रेशियो दे रखा होगा, कुछ भी मतलब क्वांटिटीज दे रखी है, उसमें एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट। ठीक है, सब डुप्लीकेट और सब ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट क्या होते हैं और सब ट्रिप्लीकेट क्या होते हैं। सब डुप्लीकेट होते हैं √A/√B, मतलब कि उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो वो हो जाएगा सब डुप्लीकेट। ठीक है, उपद्विघात और उपत्रिघात, तो ये हो जाएगा सब ट्रिप्लीकेट। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्यों लेना है, इसका सिंपल सी बात है, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ए इसका ले लेंगे हम 3:2, इसका हम ले लेंगे 3। ठीक है, तो ये हो गया सब ये हो गया डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब कोई जो नंबर या क्वांटिटी आपको दे रखी है, जैसे 3:2 थी, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या है, उसका क्यूब कर देंगे। सब डुप्लीकेट का मतलब क्या है, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब क्या है, उसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आपको पढ़ा दिए थे स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो आई थिंक आपको याद होंगे, नहीं तो आप फिर से एक बार जाके देख लीजिए, हो सकेगा तो मैं वीडियो को लिंक नीचे दे दूंगा। ठीक है, ये हो गया आपको, नोट करिए आप इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज़ और होती है, रेशिप्रोकल आप जानते हैं। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, व्युत्क्रम। अब ये व्युत्क्रम जो है मैंने आपको कई बार पढ़ा दिया है, ठीक है, फिर भी आप देख लीजिए। व्युत्क्रम मतलब अगर ये A:V है तो इसका व्युत्क्रम पूछेगा तो ये हो जाएगा A:V:V1:B, ये हो गया इसका रेशिप्रोकल हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है, थोड़ा आप देखते रहिए, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ में। ठीक है, अब एक अच्छी जाती है प्रोपोर्शनल में। प्रोपोर्शन क्या होता है, जब दो रेशियो समान हो तो उनको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, चाय बनाने की भी अगर जो विधि है वो सेम हो, कॉफ़ी बनाने की भी अगर विधि सेम हो, ठीक है, दोनों की अगर रेसिपी सेम हो जाए, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे
समानुपात या प्रोपोर्शन बोलेंगे, ठीक है। तो अब मान लो मेरे पास दो रेशियो हैं, ए इज टू बी एंड सी इज टू डी, ठीक है, इज टू बोलते हैं इसको, और हिंदी में बोलेंगे तो ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, सॉरी, ठीक है। अब इसको समानुपात में लिखेंगे, तो समानुपात में कैसे लिखेंगे, ए इज टू बी, समानुपात में ये चार एक साथ होते हैं, चार डॉट्स एक साथ लगाएंगे और ये हो जाएगा, ठीक है। लिखने का तरीका वही, इसको हम इसको भी यही लिख सकते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें होता है दो तीन चीजें होती हैं इसमें, एक अच्छा इनको बोलते क्या क्या है, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं मीन्स, मीन्स, और इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स। शायद छोटा छोटा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ठीक है। ये हो गए मीन्स, जो मिडिल में होते हैं वो मीन्स हो गए, जो ये हो गए एक्सट्रीम्स हो गए, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इनका सिंपल सी बात है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो आप, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू डी इजकल टू वी इंटू सी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसमें हम लेंगे मीन प्रोपोर्शन आते हैं हमारे पास, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, ये सब चीजें आते हैं, फिर आगे कंपोनेंट हो, डिविडेंड हो, ठीक है। तो अब आपके पास लेते हैं मीन प्रोपोर्शन, मध्यानुपाती। अब मध्यानुपाती का मतलब क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन में यहां इसे इरेज कर देता हूं, ठीक है। टॉपिक आता है मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन होता है, सपोज आपको ये ए इज टू बी समानुपाती बी इज टू सी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इजकल टू ए सी, ये हो गया मीन प्रोपोर्शन आपका, ठीक है। इसी में आता है थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, इसमें आता है क्या आता है, थर्ड प्रोपोर्शन। अब थर्ड प्रोपोर्शन भी क्या आ जाएगा, थर्ड प्रोपोर्शन हमारा चाहिए सी, तो अब इसको लिख के देख लो, ए अपॉन बी इजकल टू बी अपॉन सी, ठीक है, सी की वैल्यू चाहिए, इधर आ जाएगा सी इजकल टू, तो क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, ये हो जाएगा अब आपका थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। इसका स्क्रीन शॉट बनाइए जब तक, अब आपका आता है फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन में क्या होगा, ए इज टू बी समान, ठीक है, प्रोपोर्शन सी इज टू डी। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, ए अपॉन बी इजक्वल टू सी अपॉन डी, हमें चाहिए डी, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी इज टू सी अपॉन ए हो जाएगा, तो ये हो गया आपका फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए आप। अब एक चीज और बचती है इसके बाद, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं योगानुपात और अंतरानुपात, बड़ा ही कठिन शब्द है हिंदी में तो, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब उसमें होता क्या है, सपोज करो ए अपॉन बी इजकल टू सी अपॉन डी उसने दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका कंपोनेंडो और डिविडेंडो दो निकालता है। कंपोनेंडो में क्या होता है, कंपोनेंडो में आपका क्या करता है, ए प्लस बी अपॉन बी, मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख लेने दो, ठीक है, सी प्लस डी अपॉन डी होता है, ठीक है। अब यहीं पे इसी का डिविडेंडो निकालना है, तो इसी का डिविडेंडो निकालने के लिए, डिविडेंडो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए माइनस बी अपॉन बी हो जाएगा इजिकल टू सी माइनस डी अपॉन डी हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, लास्ट है कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, एक साथ भी हम उनको यूज कर सकते हैं, ये आपके इक्वेशंस में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है, कोशिश करेंगे क्वेश्चन भी करा दें। अब इसमें क्या है, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो एक साथ लगाया जाता है, ठीक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसका हिंदी मीनिंग मैं बताऊं तो इसका हिंदी बोलते हैं हम योगांतरानुपात, ठीक है। इसमें क्या होता है, दोनों एक साथ लगते हैं, इसमें a प्लस बी एंड a माइनस बी इजकल टू होता है c प्लस डी एंड c माइनस डी, ठीक है, ये हो गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो।
अब ये सब हमारे क्वेश्चंस हो गए इनके। अभी तो देखिए हम ऐसा नहीं है, ये टॉपिक बहुत ब्रॉड भी हैं, ठीक है, इनको और डिटेल में समझाया जा सकता है, लेकिन अभी जैसे कि हमारे पास टाइम कम है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, इसलिए हम आपको वही मतलब एक प्रिविजन के तौर पे हम, क्योंकि आप वेट तो कर नहीं रहे कि भाई संजीव सर आएंगे तब पढ़ाएंगे, तब हम पढ़ेंगे सीटेट की तैयारी करेंगे, ठीक है, तो आप एक रिविज़न के तौर पर इसको ले सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको रिविज़न करते जाइए। नेक्स्ट बार जब हम आपके अगली बार सीटेट की तैयारी, तो हम फुल डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज पूरा एक एक घंटे की आधा आधा घंटे की जैसे वीडियो पॉसिबल होंगे, अभी तो हम बहुत छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए, ठीक है, देखने में आसानी हो, इजीली रिवीजन करिए, ठीक है, आपके लिए आसानी होगी। जब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी।